नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे सियाचिन की। हम आपको बताएंगे सियाचिन कहाँ स्थित है और सामरिक दृष्टि से कैसे है महत्वपूर्ण और भारत ने इसे किस ऑपरेशन से प्राप्त किया था। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें सियाचिन काराकोरम रेंज में स्थित है। ये आप देख सकते हो, इधर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, अक्साई चीन है, पीओके है और ये स्थित है सियाचिन। हम आपको बता दें ये मैप थोड़ा पुराना है, अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी दो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो सियाचिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। हम आपको बता दें एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछ लेंगे सियाचिन किस रेंज में स्थित है, काराकोरम रेंज में स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद हिमालय की काराकोरम रेंज में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के समीप स्थित है। सामरिक दृष्टिकोण से यह स्थान अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भारत पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा भारत ने इस क्षेत्र में ऑपरेशन मेघदूत के तहत विजय प्राप्त की थी। हमने बताया था आपको, बताएंगे हम आपको इस क्षेत्र को कैसे भारत ने प्राप्त किया था। पर्यावरण की दृष्टिकोण से ये अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप को सीमित रखा गया है। हम आपको ये भी बता दें हाल ही में यहाँ पर अत्यधिक प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या देखी गई है, इसलिए सेना इसके निपटाने हेतु या प्रयासरत है। हमने आपको बताया लद्दाख का क्षेत्र हमने ऑपरेशन मेघदूत से प्राप्त किया था। कभी विस्तार से बताएंगे आपको ऑपरेशन में मेघदूत क्या था। इसके अलावा हमने बताया सियाचिन काराकोरम रेंज में स्थित है, भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के समीप स्थित है, इसीलिए यह सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर दो भागों में विभाजित हो गया है, एक में जम्मू कश्मीर, एक में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। थैंक यू।